इस वीडियो में हम देखेंगे वॉल फाउंडेशंस डिटेल्स। तो ये हमारा टिपिकल फुटिंग एलिवेशन हो चुका था, अब हम ये देखेंगे फाउंडेशन फॉर इंटरनल वॉल बिलो बेसमेंट, और आप बिलो प्लिंथ लेवल भी बोल सकते हो, एंड पार्टीशन वॉल। अब ये क्या है, ये इंटरनल वॉल का ये हमारा वो है सेक्शन, और ये हमारा एक्सटर्नल वॉल का है। तो इसमें क्या दिखाया, क्या क्या शो किया है कि सबसे पहले हमारा जो पीसीसी दिखाया गया 800 mm, फिर उसके ऊपर दिखाया 600 mm, फिर आया ये जो है 150 mm थिक स्टोन सोलिंग। स्टोन सोलिंग का हमारा पीसीसी है जो बेड है हमारा, फिर 75 mm थिक पीसीसी। सॉरी, हमारा सबसे पहले ये स्टोन सोलिंग डलें जो बाउल्डर डलते हैं, उसके ऊपर पीसीसी डला हमारा 1:3:6 का। फिर ये RRM है, रैंडम रबल मेसनरी, और जो कि सीमेंट मोटर 1:4 यूज़ हुआ है यहाँ। ये 1500 इसका जो हमने देखे थे ग्राउंड लेवल तक का वो है डेप्थ, जो कि ये था हमारा यहाँ से देखे ये यहाँ तक, जो कि रिड्यूस लेवल है हमारा। ये अब इसका जो रिड्यूस लेवल हमको मिल रहा है वो 0.60 मीटर पे मिल रहा है, और ये हमारी ब्रिक वॉल है ये, और ये प्लिंथ बीम है। और ज़्यादा आपको डिटेलिंग में जाना है तो आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग प्रेफर करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि सेम वॉल फाउंडेशन डिटेल शैल बी अडॉप्टेड फॉर ऑल वॉल्स, मतलब ये जो फाउंडेशन डिटेल दिए इंटरनल के लिए और ये एक्सटर्नल के लिए, वो सभी के लिए अडॉप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सटर्नल वॉल के लिए जो फाउंडेशन डिटेल दिया है, इसमें ये है कि इसका भी 800 है, सेम है, और इसमें बस यहाँ 600 था पीसीसी बेड, इसमें जो है वो रहेगा 700 mm, इसमें थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि एक्सटर्नल वॉल है ये, और ये 1500 mm। जैसे कि आउटर वॉल हमारी 9 इंच की रहती है और इनर वॉल 4 या 5 इंच की रहती है, वैसे यहाँ डिफरेंस आपको दिखेगा कि 100 mm का डिफरेंस आ गया, मतलब 0.1 मीटर का। ये रिड्यूस लेवल 0.000 मीटर पे है, और ये प्लिंथ बीम गई है, और ये ब्रिक वर्क है यहाँ। अब देखिए ये पूरा ऐसी एक शीट बनती है, जब भी हम किसी को ड्राइंग अपना देते हैं उसमें सबसे पहले होता है प्रोजेक्ट नेम, क्या प्रोजेक्ट का जो चल रहा है हमारा वो क्या रहेगा उसका नाम, फिर नेम ऑफ द ड्राइंग। अलग अलग ड्राइंग होती हैं, जैसे स्ट्रक्चरल ड्राइंग, उसमें मतलब बीम अलग, बीम की ड्राइंग अलग होती है, प्लिंथ लेवल की अलग ड्राइंग होती है प्लिंथ बीम की, और फाउंडेशन की अलग होती है, कॉलम की अलग होती है, बीम की अलग होती है, ऐसे ही। फिर स्केल, ये नॉट टू स्केल है, डेट लिखी रहती है यहाँ, और इसमें टाइटल भी दिया रहता है, जैसे ये फुटिंग एंड वॉल फाउंडेशन डिटेल है। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग 03 है, ऐसे 04 01 ऐसे होता जाता है। फिर यहाँ आ गया ये ऐसा छूटा है कॉलम, फिर ये नोट भी लिखा जाता है इसमें, कई जगह लिखा रहता है, कई जगह नहीं भी देते। ऑल डायमेंशंस इन मिलीमीटर, जो भी हमको डायमेंशन है वो मिलीमीटर में मेज़र करना है। डू नॉट मेज़र फ्रॉम दिस ड्राइंग, इससे आपको मेज़र नहीं करना है, इसमें सिर्फ एक मोटे मोटे तौर पे लिखा है कि ये ऐसा होना चाहिए, पर थोड़ा और बारीकी पे आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग प्रेफर करना पड़ता है। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। रिपोर्ट एनी डिस्क्रेंसीज टू द आर्किटेक्ट, और कोई भी आपको दिक्कत आए या कुछ प्रॉब्लम आए तो आप आर्किटेक्ट से प्रेफर करें। फिर ये रिवीजन ड्राइंग भी होती हैं कई, जैसे रिवीजन 01 02 03, रिवीजन ड्राइंग क्या होती हैं, जो भी चेंजेस होते हैं ड्राइंग में, जो भी थोड़े बहुत भी बदलाव होते हैं तो फिर उसको रिवीजन ड्राइंग कहलाती है। वो कितने बार चेंजेस हुए इस वजह से 1 2 3 डलता जाता है उसमें। फिर नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जिसका प्रोजेक्ट है
वहाँ का है एक एड्रेस, डिज़ाइन एंड प्लानिंग सर्विसेज थिम्फू का है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कॉलम ड्राइंग, कॉलम्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।